छूलेंगे आसमान। ये है स्पेशल एजेंट जॉन डार्लिंग, हम पर हमला हो रहा है। थाओ, 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 थाओ। मैं इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। उप्स, माफ करना स्पेशल एजेंट डार्लिंग। माइकल, तुम मेरी कॉपी करना बंद करो। मैं तुम्हारी कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस हमें एक ही समय में एक जैसे आइडियाज आ रहे हैं। फाइनली अब वक्त हो चुका है। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, हर वक्त तुम मेरी कॉपी करते हो। माइकल, क्या मतलब है? मैं तुम्हें कभी कॉपी नहीं करता। और इसे तुम क्या कहोगे? लड़ाई करना बंद करो, वो आ रहा है। कैसे हो दोस्तों? मैं दिखाई नहीं दे रही, मुझे हाय कौन बोलेगा? हाय टिंकरबेल। वैसे क्या तुम सब तैयार हो लॉस्ट किड्स के सुपर मेगा अल्ट्रा एनुअल लुका छुपी कॉम्पिटिशन में जाने के लिए? हम सब मिलकर जाएंगे। इस तरफ, मेरे पीछे। सुनो जॉन, मेरे लिए रुको। मेरे पीछे आओ। अब इन दोनों को क्या हुआ? ओ कुछ भी नहीं, वो बस इतना ही है कि माइकल जॉन को कुछ दिनों से कॉपी कर रहा है। और जॉन को ये अच्छा नहीं लगता है ना? कोई दिक्कत नहीं, नेवरलैंड की ये छोटी सी यात्रा उन्हें सब कुछ भुला देगी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरी कॉपी करना बंद करो माइकल। Hey, hello. Hello. Hey, आ गए। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार है। Hey, hi, Lily. Hi, John. Hi, Lily. Hello, Michael. Neverland के The Great Annual Luca Chippy Competition के शुरू होने की मैं आज घोषणा करता हूँ। जो सबसे होशियार होगा वही जीतेगा। One, two, three. Four, John, five, रुको। six, seven, अरे तुम समुद्री केकड़ों, मेरे परिवार के विरासत के इन बर्तनों को ध्यान से लेकर जाना, ठीक है? और ये तो कुछ भी नहीं है, ये असली खजाना भी नहीं है। भाई ललिता, तुम्हें लगता है कि हमें ये बर्तन धोना शोभा देता है? आए, तुमने सही कहा, ये लुटेरों को शोभा नहीं देता है, पर तुम्हारे जैसे बिना दिमाग के कीड़ों के लिए यही सम्मान है। जाओ अब काम करो, जल्दी चलो। कैप्टन, इन्हें मेरी माँ ने मुझे तोहफे के रूप में दिया था, क्या तुम चाहोगे कि हुक की माँ गुस्सा हो जाए? बताओ जरा। अरे मेरी प्लेट। अरे संभाल के कैप्टन, वाह, आप बर्तनों के साथ खेलोगे तो माँ और गुस्सा हो जाएगी। माफ करना मम्मी। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिमाग है कि नहीं? बिना पंख वाले तोते, इन बेहद सुंदर बर्तनों के लिए चाहिए साफ सुथरा पानी, समझे? बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे के जल परियों के कुंड का। बिल्कुल वही, तो तय है, सब लोग यहाँ से जल्दी जाओ और मेरे लिए वहाँ से पानी लाओ। पर कैप्टन, जल परियों का कुंड थोड़ा खतरनाक नहीं है? खतरनाक? मुझे तो वहां कोई खतरा नहीं लगता है, और जो कोई भी मुझे वहां से एक बाल्टी पानी लाकर देगा उसे एक इनाम भी मिलेगा। हमें वो इनाम पता है कैप्टन, पीठ पर शबाशी। और आपका टेलीस्कोप पॉलिश करने का अधिकार, आपकी मछली की हड्डियों का खाने का अधिकार। तो ठीक है, इस स्थिति में जो कोई पानी नहीं ला कर देगा वो फट्टे पर चलेगा, इसके बारे में क्या ख्याल? पानी।
98, 99, 100 तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ? पकड़ लिया। क्या तुम ये खाओगे? इधर हमको कोई नहीं ढूंढेगा जी, ये सबसे अच्छा जगह है, किसी को पता नहीं। पकड़ लिया। जादुई दरवाजे के पीछे छिपना बुरा नहीं था। अगली बार तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे। ये जगह थोड़ी गीली है। हिलना बंद करो, तुम्हारी वजह से हम पकड़े जाएंगे। क्या तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली छिपने के लिए? हाँ, लेकिन ये शानदार है। हेलो दोस्तों, कभी भी अलग ना होने वाले भाइयों को मैंने ढूंढ लिया। क्या हम लोग जीत गए? नहीं, इस साल का सबसे बड़ा विजेता है लिली। लिली बाहर आ जाओ। बहुत अच्छी लिली। वाओ, बहुत बढ़िया। तुम कहाँ छुपी थी लिली? तुम मजाक कर रही हो? कभी दुश्मन को अपनी छिपने की जगह बताते हैं क्या? तुम्हारी वजह से मेरा और काम बिगड़ गया। तुम और कोई रोल मॉडल ढूंढ नहीं सकते, चूंकि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। माइकल जॉन, इसे भूल जाओ पीटर, क्योंकि मुझे लुका छुपी का बदला भी तो लेना है। तुम्हें मुझे हराने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सब अलग अलग हो जाएं? आप बिल्कुल नहीं, कैप्टन वाने कहा था डरने की बात नहीं है। अब देखा तुमने, डरने की जरूरत नहीं, तो एक पंछी था, देख लिया ना। लो आ गया नया शिकार। डुब डुबा डुब डुब। चिंता मत करो, तुम तो बहुत क्यूट बच्चे हो। बच्चे उदास होते हैं तो दुख होता है। हाँ नन्हे माइकल, तुम इतने उदास क्यों हो? असल में ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है। वो कहता है कि मैं उसे कॉपी करके सब बिगाड़ देता हूँ। अरे ये तो उसने बहुत गलत कर दिया। क्या तुम्हें पता है ये जादुई पानी है? अगर तुम थोड़ा सा भी इसे पियोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पर जॉन कहता है कि यहाँ का पानी कभी मतलब कभी नहीं पीना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि उसे कॉपी मत करो। हाँ ये सही है, वो नहीं चाहता ना कि मैं उसे कॉपी करूँ, तो ठीक है, मैं उसके बिल्कुल उल्टा करूँगा। परफेक्ट, अब तुम पूरी तरह हमारे कब्जे में हो, और फिर तुम्हारी मदद से हम नेवरलैंड में सबको बदल देंगे, और आखिरकार हम इस आइलैंड पर राज करेंगे। वो मजे कर रहे हैं ना? अगर ये नन्हा माइकल जलपरियों का दोस्त है तो हमें उसे बहला कर थोड़ा पानी मांग लेना चाहिए। बताओ कौन करना चाहता है? बहादुर चलोन, अब कैप्टन वाकर तुम पर गर्व होगा। मुझे माफ करना। कम ऑन चलोन, मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ माइकल। हाँ, पर पिछली बार जब हम मिले थे तो अंत में मैंने खुद को मछलियों के बैरल में पाया था। जैसा कि हमने देखा कि तुम जल परियों के दोस्त हो, तो क्या तुम हमें कुंड का थोड़ा पानी दे सकते हो क्या? हाँ क्यों नहीं, पर तुम खुद जाकर पानी क्यों नहीं लेते? अब बात दरअसल ये है कि ये थोड़ा सा खतरनाक है, और देखो मैं एक छोटा बच्चा होकर ये कर चुका हूँ, तो इसका मतलब ये मुश्किल नहीं है। और अगर तुम इस पानी को पी लेते हो तो इसमें कोई खतरा नहीं है। ओ अच्छा,
मेरा प्लान सही तरीके से काम कर रहा है। तुम्हारा मतलब है मेरा प्लान काम कर गया? वो मेरा आइडिया था। नहीं, ये मेरा आइडिया था। ओके, तो क्या सब लोग यहाँ पर आ गए? मैं जॉन को ढूंढ नहीं पाया। ये तो मेरा आइडिया था। तो क्या मैं जीत गया? हाँ, सिवाय इसके कि माइकल अभी तक लौटा नहीं है। हाँ, पर वो तो खेल ही नहीं रहा था, भाग गया। और वो अब तक वापस नहीं आया है। तुम्हारा मतलब है कि उसे कुछ हो गया है? मुझे नहीं पता, पर हमें उसे ढूंढना होगा। लिली, तुम लॉस्ट किड्स के साथ उस तरफ जाओ। जॉन और वेंडी, तुम अम्यूजमेंट पार्क में जाओ। टिंकरबेल और मैं जंगल के ऊपर उड़ते हैं। बढ़िया, अब हम बर्तन को धो सकते हैं। ये तो आसान था ना रे? आसान? हाँ, पर माइकल ने कहा था कि शायद जल परिया बदला लेना चाहे। बढ़िया, तो फिर हमें बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। बदला? पर कैसे? जॉली रोजर पर हमला करके। और कैसे? पर चिंता मत करो, हमें उनके गुस्से से बचने के लिए सिर्फ एक कुंड का पानी पीना होगा, बस। बढ़िया, हम कर सकते हैं। ओ, मैं हार मानता हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहना है। पर कैप्टन वा ने कहा था कि कुछ भी हो जाए कुंड का पानी मत पिया। मुंह बंद। और लुटेरो, तुम किससे डर लगता है, कैप्टन से या फिर जल परी से? बहुत बढ़िया, पीते जाओ इसे। मैं कितनी होशियार हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी जीत का जश्न तब मनाएंगे जब लॉस्ट किड्स भी हमारे वश में होंगे। इस तरफ। माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। मैं कुछ नहीं, बस घूम रहा था, और उसके बाद मैंने एक मजेदार अमरूद का रस बनाया है। पीना चाहोगे? बहुत स्वादिष्ट है। ये देखो, ये सबके लिए है। पी लो, टेस्टी और मजेदार। आया ना मजा? ओह नो, माइकल के पैरों के निशान सीधे जलपरियों के कुंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये सब कहाँ गए? तुम हमें ढूंढ रही हो? हम यहाँ है। तो नहीं मिला? मुझे माइकल के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चिंता मत करो, वो मिल जाएगा। लिली ने खतरे के निशान ये तीर भेजा है, क्या हो रहा है? मैं ठीक ठीक तो कुछ कह नहीं सकता, पर कुछ तो है जो मुझे बता रहा है कि इन सब के पीछे निश्चित रूप से हुक ही है। क्या हमें जाकर उससे मिलना चाहिए? मैं यहीं रुक के उसका इंतजार करती हूँ। अरे क्यों, आखिर क्यों, ये सब मेरी गलती है। कैप्टन वाह, अब आपको क्या पता कि वो लोग पानी पी लेंगे? हाँ? मेरे लुटेरे, मेरे प्यारे प्यारे लुटेरे। क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, ये सब उस माइकल की गलती है, समझे? माइकल? पर कैसे? क्योंकि उसी की वजह से हमारा पूरा दल जलपरियों के कब्जे में है। नेवरलैंड को पूरी तरह से काबू में करने के लिए हमें पीटर पैन को भी अपने वश में करना होगा, समझ गए?
और उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें पकड़ना होगा किसी ऐसे को जो उसे बहुत बहुत प्यारा हो। वेंडी, माइकल, हाँ, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। तुम बिल्कुल सही थी। हाँ? अब चलो कुंड की तरफ। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मोटे बंदा, छोड़ो मुझे, जाने दो। पीटर, हम एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर जल परियों ने काफी लोगों को बदल दिया तो कुंड का पानी चढ़ने लगेगा और नेवरलैंड को डुबो देगा और फिर वो यहाँ की रानियाँ बन जाएंगी। ओ अच्छा, और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? ओके, जो लोग ने कुंड का पानी पिया है उन्हें वापस लाने का एक ही रास्ता है, जादुई पानी और फेरी डस्ट को मिक्स करके उनपे छिड़कना होगा। बिल्कुल सही कहा, डस्ट सब कुछ शुद्ध कर देता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास योजना बनाने का समय है। ओ नहीं, उन्होंने वेंडी को पकड़ लिया। अगर पीटर ने खुद को उनके हवाले नहीं किया तो वेंडी को कुंड में डुबो देंगे। उन सड़ी हुई मछलियों को वही मिलेगा जिसकी वो हकदार है। नहीं पीटर, बिना रणनीति के लड़ने से कुछ फायदा नहीं, हम संख्या में बहुत कम हैं। बाय, बताने की जरूरत नहीं है कि हमें अपने ही दोस्तों को हराना होगा। हाँ पीटर, हमें एक योजना बनानी पड़ेगी और इन सब में कपट नीति मैं जानता हूँ तो निर्णय मैं लूंगा, समझे? हाँ हाँ, जैसे कि हर बार तुम्हारी योजना काम करती है लुटेरे। नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ताकत ही सब कुछ नहीं होती पीटर, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि मुझे इस सेना का नेतृत्व करने दिया जाए। रुको, मैं यहाँ का बॉस हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं हूँ बॉस। अब बस मैंने भी कहा मैं हूँ यहाँ का बॉस। वाओ, आप लोगों का खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं मेरा प्लान बताऊंगा। तो प्लान ये है कि कैप्टन और महान मुखिया को झूठे प्लान से उनका ध्यान भटकाएंगे और इसी बीच पीटर जाकर वेंडी को बचाएगा जब जल परियां बिजी होंगी। एक धोखेबाज के लिए बुरा नहीं है, पर इन जल परियों से मेरी सेना को कैसे बचाया जाए ये बताओगे तुम? ऐसे बचाएगी। मुझे छोड़ दो वरना तुम्हें पीटर का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो तुम्हें पकड़ा है प्यारी वेंडी, हम पीटर को मिलना चाहते हैं। मैं आ गया। पीटर, चिंता मत करो वेंडी, ये एक ट्रैप है। इन सड़ी हुई कैटफिश से मुझे डर नहीं लगता और वैसे भी मेरे पास मदद है। तुम्हारा समय पूरा हुआ शापित जलपरी हो, हम तुम्हारे पूछ पर लात मारने आए हैं। तुम सबको साथ में देखकर अच्छा लगा, लेकिन जरा पीछे तो देखो। और अब तुम्हारी बारी है पीटर, ये बहुत ही आसान है। हम विंडी को तभी आजाद करेंगे जब तुम इस समंदर का पानी पियोगे। सपने देखते रहो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम बिना दिमाग की सड़ी हुई मछलियाँ हैं? वेंडी को हमने हमारी विशेष बेल से बांधा है जो हमने डिजाइन की है। पकड़ लिया। हर बार जब तुम इसे छुड़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी दोस्त पानी के और नजदीक आ जाएगी। ये बेहतरीन आइडिया मेरा है। इसका मतलब है कि मैं ज्यादा चालाक हूँ। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है पीटर, तो चलो हमारी बात मान लो। डस्ट सब कुछ शुद्ध कर देता है। ओके स्मी, भरो उसे। क्या बात है, ये तो काम करता है। अरे आराम से दोस्तों, आराम से। अरे मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। अरे अरे बचाओ। पिताजी, क्या ये तो चीटिंग की है तुमने। अब इस लड़की को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मुझे बचाओ। माइकल एक्जेक्टली करना क्या चाहता है? बस तुम्हें कॉपी करना चाहता हूँ। पकड़ लिया। थैंक यू पीटर। सब तुम्हारी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती है।
कौन है सबसे महान कप्तान कौन है सबसे महान कप्तान कौन है सबसे महान कप। चलो अब बहुत हो गया, मैं तुम लोगों को याद दिला दूं, हमारे पास बहुत सारे बर्तन हैं जिन्हें हमें साफ करना है। हम नहीं कर सकते कैप्टन, हमारे पास कुंड का पानी नहीं है, और आपने कहा था कि आपकी मम्मी को खूबसूरत बर्तन को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत है। हम क्यों नहीं परियों की झील से कुछ पानी लेकर आए, ये अच्छा रहेगा ना, परियों की झील का कुछ पानी। बिल्कुल सही। ओ मेरी प्यारी मम्मी, गुड नाइट पीटर। गुड नाइट पीटर। हम एक शानदार टीम है। यस, बहुत अच्छी। ओके मेरे प्यारे सुपर हीरोज, एक छोटी सी कहानी का क्या ख्याल है? तुम फिर से मत शुरू हो जाओ माइकल, हर हफ्ते तुम यही बोलते हो। अब जाओ जाकर अपना सामान ले आओ। मैं पूछूंगा अभी नहीं कि कल तुम्हारी स्विमिंग क्लास है या नहीं। मॉम नहीं मानती कि स्विमिंग करने से पैरों पर रिंकल्स आते हैं। हाँ लेकिन तुम्हें बाथटब में बैठने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना मेंढक। मैं मेंढक नहीं हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें पानी पसंद है तो तुम्हें स्विमिंग भी पसंद होना चाहिए, है ना? देखो बात ये है कि जब मुझे पानी में कूदना पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे बाल गीले हो जाते हैं, फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो तुम्हें अपने बाल गीले करना पसंद नहीं या सर पानी में डालने से डरते हो? देखो दोनों ही सही है। हेलो दोस्तों, क्या सब तैयार है? हाँ, हाय पीटर। जल्दी करो, ग्रेट चीफ हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेवरलैंड सूख गया है। टिंकरबेल टिंग 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 टिंग। ओके चलो। एक सेकेंड, तुम्हारा मतलब क्या है कि नेवरलैंड सूख गया है? बात को समझो वेंडी, नेवरलैंड में पानी की एक बूंद नहीं बची है। शायद हमें थोड़ा पानी ले जाना चाहिए। घबराओ मत, पानी की जगह हम फल खा रहे हैं। जल्दी करो दोस्तों, एक दिन मैं तुम्हें तैरने के बाद उड़ते हुए देखना चाहता हूँ टिंकरबेल। ओह माय गॉड पीटर, ये क्या हो गया है? नेवरलैंड, और वो भी बिना झरने के? ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया हो। देखो ग्रेट चीफ में लिली के साथ झरने की तरफ जा रहे हैं। हेलो चीफ। हेलो लिली। कैसे हो बच्चों, तुम सब जल्दी आ गए, तुम्हारी मदद से पानी की परी से मुझे मिलना है। पानी की परी, तुम भी उन्हें जानती हो टिंक? पीटर? मैंने तो उनका नाम तक नहीं सुना। इसमें चौंकने की बात नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है। जहाँ से नेवरलैंड का पानी आता है वो वहाँ रहती है, पानी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए। गुफा में जहाँ वो बड़ी सी चिपकली रहती है जिसकी उंगलियाँ पंजों जैसी है। बुलडोर जिला, इसीलिए तुम बच्चों को उसका ध्यान भटकाना होगा। ये पानी की किल्लत हमारे लिए वरदान साबित होगी स्मी। जल परियों की खाड़ी अब दिन ब दिन सूखती जा रही है। आखिरकार मैं मेरी मम्मी का दिया हुआ तोहफा वापस ले सकता हूँ जो मेरे सातवें जन्मदिन पर दिया था, जिसे मैं खोल कर भी नहीं देख सका क्योंकि उसी वक्त जॉली रॉजर पत्थर से टकरा गई और मेरा तोहफा शापित पानी में गिर गया था। कैप्टन वाह, आखिरी बार बता रहा हूँ मूर्ख आदमी, अगर मेरी बात गौर से नहीं सुनी तो मैं तुम्हें बिल्लियों को खिला दूंगा, बिल्लियों को। कुत्तों को कैप्टन वाह, कुत्तों को। लग रहा है फिर से कैप्टन की बात के बीच स्मी का ध्यान भटक गया। अरे मैं धूल में मछलियाँ पकड़ने ले आऊ। अभी याद आया, इधर कोई और भी है जो इन करिश्मों का इंतजार कर रहा है। मछलियाँ पकड़ूंगा, धूल में मछलियाँ पकड़ूंगा लेकर। दूर हटो मेरे बनाना से।
कनवा, जब हम त्योहार को संभाल लेंगे तुमको मछली खाने में मजा कभी नहीं आएगा। फिर तो तब तक मेरी भूख मर जाएगी। अरे बहुत हो गया, अगर तुम दोनों की आपस में इतनी बन रही है तो तुम दोनों जहाज पर रुककर इसकी रक्षा करो और मैं बाकी साथियों के साथ जल परियों से मिलकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम पहुँच ही गए। बुलडोजिला को हमारे यहाँ होने का जल्द ही पता चल जाएगा, तो चाहे जो हो जाए मशाल गिरने मत देना। तुम यहीं रुको लिली, मैं अभी आया। संभल कर जाइए पिताजी। कहाँ है वो, तुम्हें दिखाई दिया? घबराओ मत, जब तक हमारे पास मशाले हैं हम सुरक्षित हैं। चलो यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। पीटर, पिताजी, आप ठीक तो हैं? ठीक है, सभी बाहर निकल आए हैं। पिताजी, क्या आपको चोट लगी है? नहीं। अब हम पानी की परी से कैसे मिल पाएंगे? गुफा के गिरने से बुलडोजिला अपनी परछाई से अलग हो गया है। जाओ और मदद लेकर आओ, जल्दी ले ले, हमें इस गुफा को खोलना ही होगा। उस मेंढक के साथ यही होना चाहिए था। ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, बुलडोजिला परी द्वारा झरने के पानी से छांटे गए सारे गंध पर पलटा है। उसकी परछाई जहरीली है, अगर हमने जल्द से जल्द उसे सही जगह पर नहीं लौटाया तो वो पूरे नेवरलैंड को गंदा कर सकता है। इस फिसलू जानवर को आइलैंड को प्रदूषित करने से रोकने में कोई मदद करना चाहेगा? मैं? नहीं टिंकरबेल, तुम नहीं, तुम्हारी फेरी डस्ट बड़े पत्थरों को हटाने के काम में आने वाली है। बड़े पत्थर, पास करते रहो। ये लो, बहुत अच्छे, एक और। सब्र रखो, बस ऐसे और 100 पत्थर हैं, फिर तुम अपनी परछाई को दोबारा मिल सकोगे। ग्रेट चीफ, पानी की परी तक पहुंचने का और एक रास्ता है। पानी के अंदर से एक सुरंग जाती है जो जल परी के कुंड में जाकर निकलती है, और पानी का रास्ता बहुत नीचे है, वहाँ पहुँचेंगे कैसे? जल परियाँ, मेरे ख्याल से बुलडोजिला उनसे कम खतरनाक है। ये चांद का पत्थर जॉन, इसकी मदद से तुम पानी की परी से संपर्क कर पाओगे। मैं? यहाँ से रास्ता बनाने में हमें कुछ देर तो लगेगी ही, उससे तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ये मेरे लिए प्राउड की बात है। अरे नहीं, बहुत हुई मस्ती, हम इसे हमारे खिलौने बर्बाद करने नहीं दे सकते। ओए, यहाँ देखो, मुझसे तुम्हें डर लगता है क्या? वाव, कम से कम अपने आप को साफ तो रख लेते। हमारा नेवर ट्री। वेंडी, बात हाथ से निकल रही है। वेंडी, वेंडी, अब हमें इसे भरने के लिए बस थोड़ी रेत चाहिए। देखते हैं, मेरा तोहफा। मम्मी, ये वही है, इतने सालों के बाद भी ये मुझे मिलने वाला है। मेरा मन भर आया है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। पर ये दोनों बंदर यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में हमें पानी के अंदर तैर कर जाना होगा, इस तरफ। तुम्हारा मतलब पानी के अंदर डालना है, जैसे स्विमिंग पूल में करते हैं? मैं नहीं कर सकता। तुम पानी की परी को ढूंढ रहे हो ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। घबराओ नहीं, हम तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी उसे ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन तुम माइकल, तुम आसानी से वहाँ जा सकते हो, खासकर तब जब हम तुम्हारी जादू से मदद करें। तो एक किसका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं।
चारा डाले बिना ही मछलियाँ पकड़ी गई दोस्तों। कैप्टन, कोई गलत फहमी हुई है, हम सौदा करेंगे। मुझे नहीं लगता। क्या तुम तैयार हो माइकल? नहीं माइकल, सॉरी। पर तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अरे नहीं, उस तरफ नहीं, वहाँ मेरा घर है और मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं। ये बहुत ही अजीब है। वेंडी, स्टाइलिश रहने के अलग ही फायदे हैं। मुझे क्या हो गया है? मैं एक मछली हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। चलो फोकस करो माइकल। राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक साथ। वो माइकल, तुमने कर दिखाया। हाँ, पकड़ो इसे। वो चांद का टुकड़ा? शांत हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। एक्चुअली तैरना उड़ने से ज्यादा आसान है। ठीक है, वो रहा रास्ता, देखते हैं फिर। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पानी की परी की तलाश में आया हूँ। अरे ये क्या? मुझे मिल गया, मुझे एक मिल गया, मैंने पकड़ लिया। स्मी भाई, तुम सही कह रहे थे, इस पानी के गड्ढे में बहुत सारी मछलियां हैं। क्या बात करता है मार्शल, वहाँ बहुत खुश हो जाएगा। इसे डब्बे में डाल दो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी मछली है और मैं इसका एक राजा की तरह ख्याल रखूंगा। अगर इसके बदले में हम तुमका एक टिन टमाटर की चटनी दे तो इसे हमका दोगे? बस एक ही टिन? अच्छा, साथ में लहसुन भी देंगे, भैया की ओर से तोहफा। देखो तो ये देखो का है। मार्शलवा, तुम कितने घरेलू बच्चे हो, ये नया दोस्त तुमका अच्छा लगेगा। हाँ माइकल को लौट के आ जाना चाहिए था, तुम्हें यकीन है ये मंत्र काम करेगा? ये बड़ा सा धब्बा क्या है? साथियों तैयार हो जाओ जी जान से रक्षा करने के लिए मेरे तोहफे की। यहाँ मत रुको, यहाँ खतरा है। तो कुंड का पानी कौन सा सेफ है? पकड़ लिया। वेंडी, माइकल कहाँ है? तुमने उसे अकेले जाने दिया? असल में बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। बुलडोर जिला की परछाई गुफा से भाग निकली है, चाहे जो हो जाए कोई हिलेगा नहीं, वो जिसे छू लेता है उसे प्रदूषित कर देता है। तुम सब ने पीटर की बात सुनी कमबख्तो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब हम पीटर की बात सुनेंगे। बस उस मुसीबत को संभालने दो उसे, और फिर
आप बहुत नटखट हैं कैप्टन। मैं जानता हूँ जरो, मेरी मम्मी यही कहा करती थी। तुम तो पक्का लौंडे लग रहे हो। अच्छे से बैठो, स्मी बाऊजी अभी लौट कर आएंगे तोहर लिए तोहफा लेके। अब मैं फिश टैंक में फंस गया। उप्स। चांद का टुकड़ा, तुम्हें ये पत्थर किसने दिया बेटा? तो क्या आप है पानी की परी? जब मैं चांद को देखने निकली तो इन बेवकूफों ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन आप यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मेरा मतलब है आपके पर। नेवरलैंड रेगिस्तान बन रहा है और बॉर्डर जिला की परछाई फरार हो गई है और वो पूरे आइलैंड में तेल छोड़ रहा है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकल सकती तो मैं उस परछाई को संभाल लेती। काश टिंकर बेल यहाँ होती। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हैं? वाओ! वाओ! टिंकरबेल! 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 माइकल को मदद चाहिए। वो अभी चोली रोजर में है। नहीं नहीं, मैं अभी आई। ये हो गया, अब हम इसको एक्वेरियम में डालेंगे मछलियों के लिए, इससे वो खेलेंगे। देखो मछलियाँ ताजा हवा खाने निकली हैं। नहीं, अरे रुको, अरे लौटाओ। जारो के सीकल्स, आप दोनों तालाब की ओर जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। हे, इस तरफ बेवकूफो। एक तो गया। आओ पकड़ो मुझे। अरे लौटाओ मार्शलवा, लौटाओ। अरे कहाँ जात हो? अटैक! रुको। टिंकरबेल, रास्ते से हट जाओ, यहाँ जंग छिड़ने वाली है। माइकल, वो जहाज पर सी गर्ल्स को संभाल रहा है, आओ तुम्हें मिलवाऊं पानी की परी से। पानी की परी? पानी की परी? इनक्रेडिबल। जल्दी इसे उठाओ, हम घर जा रहे हैं, चलो। कहीं के आए, नाक में दम कर रखा है तुमने। ये चिड़िया पकड़ने का वक्त नहीं है समुंदर के लुटेरों, समझे? हम अपनी मछली ढूंढ रहे हैं कैप्टन, वो उड़ निकली। अपनी बचकानी हरकतों से मुझे दूर रखो और ये तोहफा खोलने के लिए इनकी मदद करो जल्दी। देखो झरने का पानी। हमारा ताला बेहद खूबसूरत हो गया। क्या अब मैं मेरे भाई को देख सकती हूँ? याइक्स, तुमने सही कहा, चलो जल्दी चले। सो
सुनो लड़कियों, अब जब माइकल ने अपना काम कर ही लिया है तो उसे हमारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। सही कहा, अगर थोड़ी देर हो जाती तो हम मंत्र हटाना भूल ही जाते। समंदरों में लगा दो उत्तरी हवाओं का तड़का, माइकल को बना दो पहले जैसा लड़का। अरे वाह कैप्टन, चॉकलेट, मैं एक चख सकता हूँ? असल में साथियों, ये चॉकलेट नहीं है। साबुन? मम्मी, आप हमेशा से चाहती थी कि मैं नहाऊं और खुशबूदार रहूं। आपने का ये अच्छा मौका है। इधर आओ, मत खटपटवाक। उस नेवले को पकड़ो और इसी साबुन से जहाज की सफाई करवाओ। क्या तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगे बच्चे? रुको, हम आ रहे हैं माइकल। क्या बात है मेरे छोटे मेंढक, बहुत अच्छे। सबसे पहली बात, मैं मेंढक नहीं हूँ, मैं मछली हूँ। ओ यकीनन, जॉन ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक कहानी भी है। लेकिन तभी वो छोटा सा बच्चा था जब वो मछली बन गया था। जैसे ही उसने उड़कर लुटेरों के जहाज से बचने की कोशिश की, जल परियों का मंत्र हट गया और वो सीधे जहाज में गिर गया। ये किस तरह का गेटअप है? बस एक मिनट मॉम, मैं बस अपनी कहानी पूरी कर रहा हूँ। घबराइए मत मॉम, मैं ख्याल रखूंगी कि ये सोने से पहले से उतार दे। हाँ, प्रॉमिस मॉम। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, चाहे जो हो जाए तुम्हें कल स्विमिंग क्लास जाना ही होगा। मैं और बहाने नहीं सुनूंगी। नहीं, इस बार मैं अच्छे से स्विमिंग करूंगा और कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा।